हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो का दोस्तों जो टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे कि मोटिवेशन आजकल बहुत चलने लगा है। कोई भी चीज़ कोई भी उठ के आता है सीधे सिंपल मोटिवेशन देने लगता है कि सपोज आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए मोटिवेशन, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए मोटिवेशन, ठीक है, किसी भी कोचिंग के लिए जा रहे हो उसके लिए मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का कारण क्या है, एक अच्छी सी रील जो आपको एक दिखाना चाहती है आप गेट में, आईटी की रील और प्लस उसकी नेटवर्थ, ये बच्चों को बड़ा मोटिवेट करती है, करनी भी चाहिए। लेकिन वही वाली बात है, इसके पीछे मैंने वीडियो बनाया है पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यूपीएससी में भी ऐसे ही होता है, इतने टीचर्स हैं आपको मोटिवेशन देने के लिए कि नहीं भाई कैसे नहीं होगा आपका, मैं तो आपको करवा के ही मानूंगा। मतलब इतना मोटिवेशन दे देते हैं कि बच्चा ऐसे लूप में फंस जाता है, कितनी प्रॉब्लम, कितना स्ट्रेस, कितना पैसा, कितना सब कुछ बर्बाद होता है इन सब, ये फाल्स जो मोटिवेशन जो होता है ना, ये जो खरबे फजूल का जो मोटिवेशन होता है ना, यही स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद करता है और बच्चों का करियर ख़राब करता है, ठीक है। पहले देखो बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। देखो मोटिवेशन कई तरह का होता है। एक मोटिवेशन होता है कि सिंपल सा दो बातें बोली कि ठीक है ये आपको पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, और अगर इस पर्टिकुलर चीज़ में आपका नहीं होता है तो ठीक है आप 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद आप उस चीज़ को छोड़ दो, उसके साथ साथ कोई ना कोई काम करने लगो, ठीक है। ये हो गया एक सही वे में कि ठीक है कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हुई तो ठीक है उसको साथ साथ करते रहो, उसके साथ साथ कुछ दूसरा भी देख लो। अब उस सेम ही लूप में मत फंस जाओ कि नहीं भाई अब मोटिवेशन देने वाले ने कर दो, तुम इस बार ही हो जाएगा, इस बार ही कैसे नहीं होगा भाई, ऐसे ऐसे चिल्लाते हैं फ़ोन पे, तुम कोई भी हो यार ऐसा देखे कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है, कोई भी अगर जो फ्रेशर होगा ना, सही कह रहे हैं सर बिल्कुल, ऐसा होगा यार, आज नहीं होगा तो कल होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नॉलेज तो बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है भाई, नॉलेज बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ठीक है पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि सपोज आपने गेट के लिए ड्रॉप लिया, कुछ भी कंडीशन लगा के आपने 1 साल का ड्रॉप लिया, आपको पता होना चाहिए कि हमें बस 2 साल का ड्रॉप लेना है, पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि हमें अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो बस 2 साल का, एक टाइम डिफाइन होना चाहिए पहले से कि अगर 2 साल में नहीं हुआ तो हम ये छोड़ के कुछ दूसरा कर लेंगे। ये नहीं है कि नहीं तब तक हम तो करते ही जाएंगे, अरे कॉन्फिडेंस है हमें, हो जाएगा, कॉन्फिडेंस होता तो भी पिछली 3 बार में क्यों नहीं क्रैक हुआ, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। यूपीएससी में भी यही होता है कि क्या होता है बच्चे तैयारी करते 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 उनकी उम्रें बीत जाती हैं, 10-10 साल बेचारे तैयारी करते हैं उसके बाद भी नहीं होता है। उनको सही क्यों नहीं रास्ता दिखाया जाता है कि भाई ये रास्ता उनको बताओ कि अगर आपका 3-4 साल में नहीं हो रहा है तो बेटा कुछ दूसरा कुछ कर लो, भैया कुछ आप दूसरा कर लो, साथ साथ आप एग्ज़ाम देते रहो उसके साथ साथ कुछ दूसरा कर लो, नहीं लेकिन उन्हें तो उसी प्रॉब्लम, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस है उनको, मोटिवेशन ऐसा मिला है उनको, ऐसा सिखाया जा रहा है उनको एनवायरनमेंट में, हालांकि उनकी खुद के पास उनके पास इतना दिमाग होता है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें वो नहीं, बच्चे क्या है उस टाइम उनको ये लग जाता है स्ट्रेस उनका बढ़ने, जैसे 2 या 3 अटैम्प्ट में अगर नहीं हुआ गेट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, 2-3 अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर स्ट्रेस धीरे धीरे इंक्रीज ही होता जाता है। इस वजह से कोई ना कोई दूसरा काम आपको कर लेना चाहिए उसी जगह पर, इस गंदे मोटिवेशन को छोड़ के, और चीज़ें वही अपने दिमाग में डालो जो चीज़ें आपको अच्छी जगह ले जाएं, अच्छी चीज़ें। रील्स 2-2 3-3 घंटे रील्स देखोगे उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ मोटिवेशन देखोगे आज देखो मोटिवेशन डिसिप्लिन में ही अंतर है। डिसिप्लिन क्या होता है, छोटा सा होता है, छोटा मतलब कि आपने 2 घंटे आज पढ़ाई करी, कल भी 2 घंटे धीरे धीरे करके दो, कंपाउंडिंग चलती है धीरे धीरे। तो मोटिवेशन में क्या होता है, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन भी 10 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दिन 5 दिन खाली चले गए पूरे। और मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन में हमको बिलीव ही नहीं करना चाहिए, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो होता है वो डिसिप्लिन होता है। तो ये उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधे मोटिवेशन देखना बंद करो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, रील देखना बंद करो, सोशल मीडिया का यूज़ कम करो, और हाँ काम हो तभी यूज़ करो। जैसे मैं उससे पहले सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था ज़्यादा, मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक ये सारी चीज़ें बंद थी, क्योंकि अब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उनको रील्स वगैरह अपलोड करता हूँ, इस वजह से मैं अब सोशल मीडिया का यूज़ थोड़ा करने लगा हूँ। वरना मुझे भी कोई इनसे कोई वो नहीं है, खास कोई संबंध नहीं मेरा इनसे, मेरे को कोई शौक नहीं इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से बच के रहें, मोटिवेशन गंदे मोटिवेशन से बच के रहें, इधर उधर ये जो मार्केटिंग चलती है इनसे बच के रहें, अपनी प्रिपरेशन में लगाएं, गेट की प्रिपरेशन के लिए लगाएं, कोई भी प्रिपरेशन हो उसके लिए लगाएं, इन सब टीचर्स से ऐसे लोगों से बच के रहें, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों आप हमें कॉमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।